केम छो मित्रों, माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू मेहुला लॉग्स। आज डेट है 29 जून 2020 और अभी सुबह के 6:30 बजे मैं आया हूँ अहमदाबाद कैनल पे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे होगे बैकग्राउंड है, ये अहमदाबाद कैनल है। ऐसे तो मैं यहाँ पे बहुत ही बार आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आज साइकिलिंग करने वाला हूँ। मतलब जो तपोवन से वैष्णो देवी तक का रोड है वो करीबन 5 किलोमीटर का तो होगा ही, वहाँ पे मैं साइकिलिंग करूँगा। मेरा पर्सनल इंटेंशन यहाँ पे खूबसूरती को एंजॉय करते हुए साइकिलिंग करना है, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं यहाँ की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटीफुल सीनरीज है वो मैं आपको दिखा पाऊँ। ये जो कैनाल है उसके आसपास जो रोड है वहाँ पे मैं वो भी जगह मैं आपको दिखा पाऊँ, और मैं ट्राई करूँगा कि इस जगह के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो आप अगर अहमदाबाद या गांधीनगर के आसपास रहते हो तो अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग को रनिंग करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए और वैसे भी टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये है अहमदाबाद कैनल का रास्ता। देखो, पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं होगा, लेकिन अब इतने सारे लोगों को वॉकिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, रनिंग करते देखते हुए सच में मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो, अभी मेरे राइट साइड है नर्मदा कैनल और लेफ्ट साइड जो है वो पूरा जंगल जैसा है। मतलब जंगल तो नहीं बोल सकते, लेकिन पेड़ पौधे ज़्यादा है, कुछ जगह पे खेत है तो ग्रीनरी ज़्यादा है। देखो, वैसे तो मैं इस जगह पे बहुत बार आ चुका हूँ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते बहुत बहुत ही बार आ चुका हूँ, लेकिन साइकिलिंग करके मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब मेरा कुछ ऐसा हो गया है कि कोई भी जगह हो मुझे साइकिलिंग करनी है। मतलब कुछ लोगों का होता है ना कि कुछ जगह पे बैठ के कॉफ़ी पीनी है या फिर कुछ जगह पे ऐसे वॉकिंग करनी है, लेकिन मुझे हर कोई जगह पे, मतलब जो खूबसूरत जगह हो, नेचुरल हो और पॉल्यूशन फ्री हो, ऐसी जगह पे मुझे साइकिलिंग करनी है। मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे अननोन साइकिलिंग पार्टनर्स, अभी आपको शायद नर्मदा कैनल थोड़ी अच्छे से दिख रही होगी क्योंकि वो जो बैरियर था वो अभी नहीं है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग इवनिंग को आते हैं। भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग तक तो ठीक था, लेकिन हॉर्स राइडिंग भी, दिस इज़ अमेजिंग। ये तो करना ही चाहिए भाई, ऐसी जगह पे हॉर्स राइडिंग हो रही है, आप समझ लीजिए कि कितनी पॉपुलर जगह है। देखो, शायद आपको वहाँ पे ब्रिज दिख रहा होगा, वो सच में कैनाल पे ऐसा ब्रिज बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पे आप कुछ देर ठहर के ऐसे पानी को बहते हुए देख सकते हो, नेचुरल जो थिंग्स है उसे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं, अपने भी एक चक्कर लगा के वापस आगे बढ़ेंगे। देखो, आगे एक्सरसाइज के साथ साथ फोटोग्राफी भी हो रही है। देखो, कैनाल के उस साइड भी रास्ता है और इस साइड भी रास्ता है। तो चलिए अभी हम इस रास्ते से जाते हैं और फिर वहाँ पे जो ब्रिज है वहाँ से घूम के इसी रास्ते से वापस आएंगे। तो हम इसी तरह से दोनों रास्तों पे घूम लेंगे। आगे बहुत सारी पब्लिक मुझे वॉकिंग करते हुए दिख रही है, एक बहुत ही हेल्दी डॉग भी है। देखो, जो भी लोग हाईवे पे या ऐसी जगहों पे रनिंग करते, वॉकिंग करते हैं ना, मेरे ख्याल से ऐसी कोई जगह आपके आसपास ढूंढ लीजिए, क्योंकि ऐसी देखिए नेचुरल जगह कितनी है। मतलब एक्सरसाइज तो ऐसी जगह पे ही होनी चाहिए ना, अगर जिम विम करते हो तो वो बात अलग है,
लेकिन ये देखो इसके एक साइड नदी है, कैनाल है मतलब, दूसरे साइड पेड़ पौधे, बहुत ग्रीनरी। ऐसी जगह पे साइकिलिंग या फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और यहाँ पे वार्म अप एक्सरसाइज करते हुए दो लोग, और योगा भी चल रहा है। तो मैं यहाँ तक आया, मैंने जितने भी लोगों को वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, योगा करते हुए देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा एंजॉय यहाँ पे कौन कर रहा है पता है? ये देखो, ये सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। देखो ये जगह के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, ज़्यादातर इवनिंग को। लेकिन आपको यहाँ पे कपल्स मतलब ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपल ही आते, फैमिली भी आती है, फ्रेंड्स आते, ग्रुप होते, फोटोग्राफी भी करते, टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको कपल्स देखने को मिलेंगे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको ये बर्ड्स दिख रहा होगा, यहाँ पे सेम कम्युनिटी से दूसरा बर्ड। देखो मेरे आगे जो अंकल दिख रहे हैं वो जॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन रिवर्स जॉगिंग, मतलब पीछे जाने का, आगे नहीं। और ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें आपको पीछे देखना पड़ता है। अंकल मुस्कुरा रहा है मेरी बातों से। अंकल बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं रिवर्स रनिंग। और यहाँ पे कुछ लोग पार्टी करने आए, ब्रेकफास्ट करने आए अपनी गाड़ी लेके। देखो यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे जो आप ब्रिज देख रहे हो वो वैष्णो देवी से गांधीनगर जाने वाला ब्रिज है। देखो ये ब्रिज के बीच में कुछ लोग कैनाल को एंजॉय करते हुए, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए, और ये बहुत ही दो प्यारे डॉगी जॉगिंग करते हुए। और इस साइड भी कुछ लोग हैं खड़े, एक्सरसाइज करके थक गए हैं। चलिए मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए भी एक वीडियो ले लेता हूँ। डन। ये देखो इस साइड आपको बादल बहुत ही कम दिख रहे होंगे। साइड देखिए जहाँ पे सूरज निकल रहा है वहाँ पे बादल देखिए आप, इतने ज़्यादा बादल है। और वो देखिए सूरज अभी बादलों के पीछे छुपा हुआ है। अभी 7:30 तो बज गए हैं, लेकिन पता नहीं कब बाहर निकलेगा। चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं, 7:30 हो चुके हैं। देखो यहाँ पे एक सुंदर रास्ता मुझे लग रहा है, मैं 2 मिनट के लिए जाके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। बहुत ही ग्रीनरी है दोनों साइड। मैं आगे नहीं जा सकूँगा क्योंकि मुझे जल्दी से वापस भी जाना है, लेकिन थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है, दोनों साइड ग्रीनरी है, पेड़ पौधे, फूल, वाह, दिस इज रियली अमेजिंग। ये तो मैंने भी कभी नहीं देखा था पहले, सो ब्यूटीफुल। बस यहाँ से मेरे ख्याल से आगे सेम है सब, तो यहाँ से ही मैं वापस लौट चलता हूँ। देखो 7:30 हो चुके हैं और अब जाके सूरज निकला है। सच में अभी मुझे उस साइड पे होना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो भी शूट करना है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे एक ब्रिज है वहाँ से हम शूट कर लेंगे। आपको शायद ये मशीन दिख रही होगी, इस मशीन से
कैनाल में से पानी खेतों में पहुंचाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। अगर आप बर्ड्स रिलेटेड फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ अच्छे फ़ोटोज़ ज़रूर मिल जाएंगे। अभी ब्रिज के काफ़ी नज़दीक है हम, वहाँ से मुझे एक प्लेन दिख रहा है जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड होगा। आपको तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इस कैमरे का लेंस इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब गोप्रो है यार, कोई जूमिंग लेंस थोड़ी है। तो यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा दूँगा। ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ लेने का कि वहाँ पे फ्लाइट चल रही है और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड होगी। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हम कोई दूर वाली जगह पे जा नहीं सकते, तो मैं ऐसे ही जगह एक्सप्लोर करता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। जब लॉकडाउन सब ख़त्म हो जाएगा, सब नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, तब हम बहुत ही अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं भी ऐसी जगह पे एक्सप्लोर करूँगा, एंजॉय करूँगा और आपको दिखाता रहूँगा कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। मतलब छोटी छोटी जगह पे भी आप एंजॉय कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हिल स्टेशन होना चाहिए, माउंटेंस होना चाहिए, ऐसी जगह भी बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय।